मेरा नाम मोहम्मद सरवर है, सेक्रेटरी फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन इस्लामाबाद मेरी ऑर्गेनाइजेशन है। आज यहाँ पर विज़िट किया था मैंने, हनीफ साहब जो चेयरमैन मालकन बोर्ड हैं उन्होंने हमें इनवाइट किया था कि आएँ और इनका जो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है और एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स हैं उनका विज़िट किया जाए। तो मैं आज यहाँ पर इसी हवाले से आया हूँ। ये जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर है गंधारा स्कूल में, इसको हमने विज़िट किया है। तो बहुत ही शानदार इंतज़ाम यहाँ पर इन्होंने किए हैं स्टूडेंट्स के लिए भी, और जो फेयर और ट्रांसपेरेंट एग्ज़ामिनेशन है उसके हवाले से भी, जो स्टाफ अपॉइंटेड है वो वेल वर्सेंट है, उन्हें अपने काम का सही इल्म है, उसकी अच्छी ट्रेनिंग की गई है। तो मैं समझता हूँ कि हनीफ साहब ने बहुत अच्छे इंतज़ाम किए हैं बच्चों के फेयर और ट्रांसपेरेंट एग्ज़ामिनेशन के लिए। बोर्डों की यही जिम्मेदारी है कि वो मुल्क में जो निज़ामी इम्तहानात है उसको फेयर और ट्रांसपेरेंट रखें और उसमें ऐसी इनोवेशंस करते रहें ताकि बच्चों की जो सलाहियतें हैं वो बेहतर से बेहतर हो सकें। एग्ज़ामिनेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे हम टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हम अपना एग्ज़ामिनेशन सिस्टम इम्प्रूव करते रहेंगे तो अल्टीमेटली जो टीचर्स हैं उन्हें भी अपनी जो टीचिंग है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, जो बच्चे हैं उनको भी अपनी लर्निंग को बेहतर करना पड़ेगा। तो मेरा ये ख्याल है हम तमाम बोर्ड जो पाकिस्तान में 2829 बोर्ड काम कर रहे हैं उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो इस हवाले से भी ज़रूर मेहनत करें कि जो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है उसको बेहतर करें ताकि जो हमारा स्टैंडर्ड है हमारे मुल्क के बच्चों का जो पास आउट के बाद स्टैंडर्ड है वो दुनिया में कहीं भी कंपेरेबल हो और जो हमारे बच्चे हैं वो पूरी दुनिया में उसी तरह इंटरटेन हों और उसी मुकाबले के हों जैसे दुनिया के इसी स्टैंडर्ड्स के और बच्चे होते हैं। थैंक यू।